मत्स्य गंधा संग्रहालय की देखभाल में चार पुलिस बल तैनात के पुलिस चौकी नंबर 2 की हालत जर्जर हो गई है। पुलिस चौकी की दीवार टूट चुकी है, बांस बल्ली के सहारे मकान को खड़ा रखा गया है। ऐसे में एक बड़ी घटना घट सकती है और इस घटने का शिकार पुलिसकर्मी हो सकते हैं। तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि मत्स्य गंधा संग्रहालय की देखभाल हम लोग करते हैं और हम लोग पुलिस चौकी में अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन पुलिस चौकी की मकान रहने लायक नहीं है। बारिश के मौसम में पुलिस चौकी पर पानी टपकती रहती है। पुलिस चौकी के चारों दीवारें अलग हो चुकी है। बांस बल्ली के सहारे पुलिस चौकी को खड़ा रखे हुए हैं, जो कभी भी गिर सकती है। इस मामले की जानकारी हमने वरीय अधिकारी को भी दी है और वरीय अधिकारी ने आश्वासन देते हुए बताया कि जल्द ही इस पर संज्ञान लेते हुए मकान नया तैयार किया जाएगा। घर गिरने वाला है, बहुत दिक्कत है रहने में। पानी चुता है, जगह रहने में बहुत दिक्कत है, परेशानी। क्या क्या सुविधा यहाँ दी गई है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। पंखा वगैरह सब लगाया? पंखा कुछ नहीं है। कहाँ के भवन पूरा, मतलब घर जो है वो पूरा जर्जर हो गई है, पूरा गिरने वाला है, डर लगता है सुनने में। अधिकारी को इसकी जानकारी आपने दी है? हाँ, जानकारी है, दिया है, फोन किया, टेलीफोन। किनको जानकारी दी है आप? DSP साहब। क्या आश्वासन मिला इस मामले में? हो जाएगा, देखते हैं। कितने दिनों से आप लोग तैनात है यहाँ पे? हम लोग 1 महीना से हैं। किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं और किस चीज़ का देखभाल कर रहे हैं? मत्स्य गंधा संग्रहालय में है। दिन रात यहीं पर रहते हैं? हाँ, दिन रात यहीं।